स्वदेशी वह विदेशी विद्वानों वह महान कहे जाने वाले महापुरुषों की जाट कौम के प्रति समय समय पर दी गई राय और टिप्पणियां। वीडियो के दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने वीडियो के पहले भाग को नहीं देखा तो वो जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहासकार डॉक्टर रणजीत सिंह, जाट तो उन योद्धाओं के वंशज है जो एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में शत्रु का खून से सना हुआ मुंड थामते रहे। इतिहासकार डॉक्टर धर्मचंद्र विद्यालंकर, आज जाटों का दुर्भाग्य है कि सारे संसार की संस्कृति को झकझोर कर देने वाले जाट आज अपनी ही संस्कृति को भूल रहे हैं। भारतीय इतिहासकार शिवदास गुप्ता, जाटों ने तिब्बत, यूनान, अरब, ईरान, तुर्किस्तान, जर्मनी, साइबेरिया, स्कैंडिनेविया, इंग्लैंड, ग्रीक, रोम व मिश्र आदि में कुशलता, दृढ़ता और साहस के साथ राज किया और वहां की भूमि को विकासवादी उत्पादन के योग्य बनाया था। इतिहासकार मिस्टर स्मिथ, राजा जयपाल एक महान जाट राजा थे। इन्हीं का बेटा आनंदपाल हुआ, जिनके बेटे सुखपाल राजा हुए, जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपनाया और नवाज शाह कहलाए। यही शाह मुस्लिम जाटों में एक पदवी प्रचलित हुई। भटिंडा वह अफगानिस्तान का शाह राजघराना इन्हीं के वंशज है। विख्यात पत्रकार खुशवंत सिंह ने लिखा है, पहला, जाट जन्म से ही कर्मयोगी तथा लड़ाकू रहा है, जो हल चलाते समय अपनी कमर में तलवार बांध कर रखता था। किसी भी अन्य क्षत्रिय से उसने मातृभूमि की ज्यादा रक्षा की है। दूसरा, पंचायती संस्था जाटों की देन है और हर जाट का गांव एक छोटा गणतंत्र है। इतिहासकार डॉक्टर गिरीश चंद्र द्विवेदी, मेरा निष्कर्ष है कि जाट संभवतः प्राचीन सिंध तथा पंजाब के वैदिक वंशज प्रसिद्ध लोकतांत्रिक लोगों की संतान है। ये लोग महाभारत के युद्ध में भी विख्यात थे और आज भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक ने जाट को जाट देवता कहकर अपने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में संबोधित किया है। देवता का अर्थ होता है देने वाला। उन्होंने कहा कि संसार में जाट जैसा पुरुष हो तो ठग रोने लग जाए। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तथा हिंदू विश्वविद्यालय बनारस के संस्थापक महामहिम मदन मोहन मालवीय ने कहा, जाट जाति हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। भारत माता को इस वीर जाति से बड़ी आशाएं है। भारत का भविष्य जाट जाति पर निर्भर है। स्कैंडिनेविया की धार्मिक पुस्तक एडा, यहाँ के आदि निवासी जाट पहले आर्य कहे जाते थे, जो असीगढ़ के निवासी थे। दीन बिंदु सर छोटू राम ने कहा, हे ईश्वर, जब भी कभी मुझे दोबारा से इंसान जाति में जन्म दे तो मुझे इसी महान जाट जाति के जाट के घर जन्म देना। मुस्लिमों के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा, ये बहादुर जाट हवा का रुख देखकर लड़ाई का रुख पलट देते हैं। सलमान सेनापतियों ने भी इनकी खूब प्रतिष्ठा की। इसका वर्णन मुस्लिमों की धर्म पुस्तक हदीस में भी है। हिटलर, जो स्वयं एक जाट थे, ने कहा, मेरे शरीर में शुद्ध आर्य नस्ल का खून बहता है। ये वही जाट थे जो वैदिक संस्कृति के स्वास्तिक चिन्ह को जर्मनी ले गए थे। कर्नल जेम्स टॉड, राजस्थान इतिहास के रचयिता। पहला, उत्तरी भारत में आज जो जाट किसान खेती करते पाए जाते हैं, ये उन्हीं जाटों के वंशज हैं जिन्होंने एक समय मध्य एशिया और यूरोप को हिलाकर रख दिया था। दूसरा, राजस्थान में राजपूतों का राज आने से पहले जाटों का राज था। तीसरा, युद्ध के मैदान में जाटों को अंग्रेज पराजित नहीं कर सके। चौथा, ईसा से 500 वर्ष पूर्व जाटों के नेता ओडिन ने स्कैंडिनेविया में प्रवेश किया। पांचवा, एक समय राजपूत जाटों को किराज देते थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने लिखा है, पहला, संसार में जाटों जैसा बहादुर कोई नहीं, बशर्ते इनमें एकता हो। यह इस प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व में कहा था। दूसरा, जाट बहादुर रानी तोमरिस ने पर्शिया के महान राजा साइरस को धूल चटाई थी। तीसरा, जाटों ने कभी निहत्तों पर वार नहीं किया। महान सम्राट सिकंदर जब जाटों के बार बार आक्रमणों से तंग आकर वापस लौटने लगे तो कहा, इन खतरनाक जाटों से बचो। एक पंपोनियस नाम के प्राचीन इतिहासकार ने कहा, जाट युद्ध तथा शत्रु की हत्या से प्यार करते हैं। एक प्रसिद्ध अंग्रेज मिस्टर नेशफील्ड ने कहा, जाट एक बुद्धिमान और ईमानदार जाति है। इतिहासकार सीवी वेद ने लिखा है, जाट जाति ने अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति को अभी तक कायम रखा है। जाटों को इस प्रवृत्ति को छोड़ना भी नहीं चाहिए, यही भविष्य में बुरे वक्त में काम भी आएगी। महर्षि पाणिनि के धातु पाठ में, जट जत संगाते, अर्थात जाट जल्दी से संग बनाते हैं। चांद्र व्याकरण में, अजय जट्टो हुनान, अर्थात जाटों ने हुनों पर विजय पाई। महर्षि यास्क निरुक्त में, जागृति इति जट्याम, जो जागरूक होते हैं वे जाट कहलाते हैं। जटाए इति जट्याम, जो जटाए रखते हैं वे जाट कहलाते हैं। अंग्रेजी पुस्तक राइस ऑफ इस्लाम,
गणित में शून्य का प्रयोग जाट ही अरब से यूरोप लाए थे। यूरोप के स्पेन तथा इटली की संस्कृति मोर जाटों की देन थी। अंग्रेजी पुस्तक राइस ऑफ क्रिश्चियनिटी। यूरोप के चर्च नियमों में जितने भी सुधार हुए हैं, वे सभी मोर जाटों के कैथोलिक धर्म अपनाए जाने के बाद हुए, जैसे कि पहले विधवा को पूर्ण विवाह करने की अनुमति नहीं थी आदि आदि। मोर जाटों को आज यूरोप में मूर बोला जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार पर जर्मन जनरल रोमेन ने कहा, काश जाट सेना मेरे साथ होती। वैसे जाट उनके साथ भी थे, लेकिन सहयोगी देशों की सेना की तुलना में बहुत कम थे। सुप्रसिद्ध अंग्रेज योद्धा जनरल एफ एस यांग, जाट सच्चे क्षत्रिय है, ये बहादुरी के साथ साथ सच्चे ईमानदार और बात के धनी है। महाराजा कृष्ण सिंह भरतपुर नरेश ने सन 1925 में पुष्कर में कहा, मुझे इस बात पर अभिमान है कि मेरा जन्म संसार की एक महान और बहादुर जाति में हुआ। महाराजा उदयपानु सिंह धौलपुर नरेश ने सन 1930 में कहा, मुझे पूरा अभिमान है कि मेरा जन्म उस महान जाट जाति में हुआ जो सदा बहादुर, उन्नत एवं उदार विचारों वाली है। मैं अपनी प्यारी जाति की जितनी भी सेवा करूँगा, उतना ही मुझे सच्चा आनंद आएगा। डॉक्टर विट्रेसन ने कहा, जाटों में चालाकी और धूर्तता योग्यता की अपेक्षा में बहुत कम होती है। मेजर जनरल सर जॉनस्टन ने अपने एक जाट रक्षक के बारे में कहा था, ये जाट लोग पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, थकना तो जानते ही नहीं। बूंदी रियासत के महाकवि ने महाराजा सूरजमल के बारे में एक बार यह दोहा गाया था, सहियो भले ही जाट नी जाए अरिष्ट अरिष्ट, जापर तस रविमल हुए आमेरन को इष्ट। अर्थात जाटनी की प्रसव पीड़ा बेकार नहीं हुई, उसने ऐसे प्रतापी राजा तक को जन्म दिया जिसने आमेर व जयपुर वालों की भी रक्षा की। इतिहासकार डॉक्टर जे एन सरकार ने महाराजा सूरजमल के बारे में लिखा है, यह जाट वंश का अफलातून राजा था। इतिहासकार डी सी वर्मा, महाराजा सूरजमल जाटों के प्लेटो थे। बादशाह आलमगिरी द्वितीय ने महाराजा सूरजमल के बारे में अब्दाली को लिखा था, जाट जाति जो भारत में रहती है वह और उसका राजा इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी खुली खुलती है और बंदी बंधती है। कर्नल अलकोट, हमें यह कहने का अधिकार है कि 4000 ईसा पूर्व भारत से आने वाले जाटों ने ही इजिप्ट का निर्माण किया था। यूरोपियन इतिहासकार मिस्टर टीसीटस ने लिखा है, जर्मन लोगों को प्रातः उठकर स्नान करने की आदत जाटों ने डाली। घोड़ों की पूजा भी जाटों ने स्थानीय जर्मन लोगों को सिखाई। घोड़ों की सवारी जाटों की मनपसंद सवारी है। तैमूर लंग, घोड़े के बगैर जाट बगैर शक्ति का हो जाता है। हमें याद है आज से लगभग 50 वर्ष पहले तक हर गांव में अनेक घोड़े घोड़िया जाटों के घरों में होती थी। अब भी पंजाब व हरियाणा में जाटों के अनेक घोड़े पालने के फार्म है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल केपी कैंडे ने सन 1971 के युद्ध के बाद कहा था, अगर जाट ना होते तो फाजिला का भारत के मानचित्र में नामो निशान न रहता। इसी लड़ाई के बाद एक पाकिस्तानी मेजर जनरल ने कहा था, चौथी जाट बटालियन का आक्रमण भयंकर था, जिसे रोकना उसके सेना की बस की बात नहीं रही। भूतपूर्व राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने जाट सेंटर बरेली में भाषण दिया, जाटों का इतिहास भारत का इतिहास है और जाट रेजिमेंट का इतिहास भारतीय सेना का इतिहास है। पश्चिम में फ्रांस से पूर्व में चीन तक जाट बलवान जय भगवान का रणघोष गूंजता रहा है। जस्टिस कैंपबेल, प्राचीन काल की रीति रिवाजों को मानने वाले जाट नवीन हिंदू धर्म के रिवाजों को मानने पर राजपूत है, जाटों से राजपूत बने हैं, ना कि राजपूतों से जाट। जब 25 दिसंबर 1763 को जाट प्रतापी राजा सूरजमल शाहदरा में धोखे से मारे गए तो मुगलों को विश्वास नहीं हुआ और बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कहा, जाट मरा तब जानिए जब तेरवी हो जाए। यह बात विद्वान कुर्क ने भी कही थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के कोतवाल से कहा था, इन जाटों को नहीं छेड़ना चाहिए, ये बहादुर लोग ततैये के छत्ते की तरह है, एक बार छिड़ने पर पीछा नहीं छोड़ते हैं। इतिहासकार इलियट ने लिखा है, जाट जाति सदैव से एकतंत्री शासन सत्ता की विरोधी रही है तथा ये प्रजातंत्री है। संत कवि गरीबदास, जाट सोई पाचो झटके, खासी मंजियो निस्दिन अटके। अर्थात जो पाचो इंद्रियों का दमन करके बुरे संकल्पों से दूर रहकर भक्ति करे वास्तव में जाट है। इतिहासकार कालिका रंजन कानूनगो, पहला, एक जाट वही करता है जो वह ठीक समझता है। दूसरा, जाट एक ऐसी जाति है जो इतनी अधिक व्यापक और संख्या की दृष्टि से इतनी अधिक है कि उसे एक राष्ट्र की संख्या प्रदान की जा सकती है। तीसरा, ऐतिहासिक काल से जाट बिरादरी हिंदू समाज के अत्याचारों से भागकर निकलने वाले लोगों को शरण देती आई है। उसने दलितों और अछूतों को ऊपर उठाया है, उनको समाज में सम्मानित स्थान प्रदान कराया है। इतिहासकार ठाकुर देशराज,
जाटों को मुगलों ने परखा, पठानों ने इनकी चाशनी ली, अंग्रेजों ने पैतरे देखे और इन्होंने फ्रांस एवं जर्मनी की भूमि पर बहादुरी दिखाकर सिद्ध कर दिया कि जाट महान क्षत्रिय है। पंडित इंद्र विद्यावाचस्पति, जाटों को प्रेम से वश करना जैसा सरल है, आंख दिखाकर दबाना उतना ही कठिन है। यूरोपीय यात्री प्रिंसेप, एक अकेले आदमी द्वारा इतना विशाल राज्य इतने कम अत्याचारों से कभी स्थापित नहीं किया गया। अद्भुत वीरता, धीरता, शूरता में समकालीन सभी भारतीय नरेशों के सिरमौर थे। दूसरे शब्दों में पंजाब के श्री महाराजा रणजीत सिंह भारत के नेपोलियन थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।